अभी नॉक करना AWM से एक। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब मुझे पता है यार तुम लोग सोच रहे होगे कि ये साला कल कहाँ था, ना ही इसने वीडियो डाली ना ही इसने लाइव स्ट्रीम करी, ये था कहाँ। भाई मैं यही था, बट बिजली नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बिजली आ नहीं रही थी, बस साला मेरे अपार्टमेंट में ही बिजली नहीं आ रही थी। बस जो भी हो रिपेयर हुई तब तक 10:30 बज गए थे, और फिर इतनी रात को क्या वीडियो बनाऊं और क्या स्ट्रीम करूं। तुम्हारे भाई का कल फर्जी में दिन निकल गया। वेल अगर आज ही गेम प्ले की बात करें तो भाई तुम धमाकेदार गेम प्ले देखने वाले हो, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट किल मेरा मोबाइल पे आने के बाद। वेल इससे ज्यादा किल मैंने आईपैड पे कर रखे हैं, लेकिन मोबाइल पे अभी थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है भाई का। वेल यहां पर तुम्हारे भाई ने एक किल निकाला था, असल में मैंने नॉक करा था, लेकिन जस्ट उसी टाइम उसका बंदा किसी और के हाथों ठुक गया, तो वो खत्म हो गया और मेरे को किल कंफर्म हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रश करने आए और यहाँ पर मेरे को साउंड आ गया। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा टीपी था, भाई साहब अपनी खोपड़ी दिखा रहे थे, मैंने इनको धर लिया अच्छे से दबा के धरा। वेल इनसे मेरे को अच्छी लूट मिल गई। उसके बाद मेरे डीपी पे था 6x, जिसको मैंने बनाया 3x। अब बारी थी आगे रश करने की। अब यहाँ से मैं जा रहा था तो सामने वाले कंटेनर्स पे हुआ फायर। अब फायर हुआ तो मतलब वहाँ होंगे बंदे, और बंदे होंगे तो वहाँ तो फायर ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो भाई तुमको पता आगे क्या होने वाला है। अरे यार भाई मैं आखिरी में कंफ्यूज हो गया था कि नॉक वाले को फिनिश कर दूं या फिर उसको मार दूं जो कि 1 HP है, और मैं ना फिनिश कर पाया और ना ही उसको खत्म कर पाया। वेल जो भी हो यहाँ पर मेरे में ने मेरी जो किल थी उसे कंफर्म कर दिया था। अब बारी उस बंदे को ढूंढ के मारने थी जो कि हमसे भागने की कोशिश कर रहा था। अब देखो यहाँ से मैं इतना गेस कर रहा था कि वो वेयरहाउस की तरफ भागेगा, बट वो रुक गया, वो यहाँ पर टीपीपी ले रहा था। तो हमने करा रश उसके ऊपर, मेरे में आ रहा था ऊपर से, मैं कर रहा था जमीन से हमला, देखते हैं कौन जीतता है। वह इसको धर लिया आराम से, बेचारा कंफ्यूज था कि किससे फाइट ले। उसके बाद यहाँ पर एक बॉट आया जिसको तुम्हारे भाई ने ठोक दिया। बदले में इस बॉट ने मेरे को एक बैरल दी। अब सामने बहुत गंदी फायरिंग हो रही थी सामने वाले कंटेनर पे, लेकिन जब तक हम पहुंचते मामला थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां बच को ही नहीं रहा। ओ भाई ये बेचारा लूट ढूंढ रहा था क्या ऊपर। वेल जो भी उसको मैंने धर लिया, लेकिन मेरे को पता था इसका टीममेट कहीं होगा। अब मैंने इसको तो मारा, लेकिन वेयरहाउस से भी फायर हुआ। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था इसने मेरी किल चुराई है, जबकि ऐसा था नहीं, ये किसी और से लड़ रहा था। अब जो भी हो बारिश की लॉबी पहुंचने की थी। अब यार ये नॉक हुआ था, बट इसका टीममेट कहाँ था ये हमको पता नहीं। तो हम लोग अपनी बगी उठा के जा रहे थे कि ब्रिज पे मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ। अब ये हमको देख के छुप गया फौरन, तो मैं समझ गया कि ये बंदा है। अब हमने यहाँ पर ओपन में रश करा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसका बंदा सामने होगा। लेकिन यार जिस हिसाब से ये ऊपर आया मेरे को लगा ये बॉट है क्या। वेल जो भी हो यहाँ पर अभी हमने तय नहीं करा था कि ये बॉट है या बंदा है, क्योंकि भाई साहब जिस हिसाब से इसने कवर लिया था लग तो रहा नहीं था ये बॉट। वेल जो भी हो यहाँ पर हमने डिसाइड करा कि हम आगे जाएंगे, तो मैंने बगी उठाई, मिर्मे को बैठाया और जाने लगा अपार्टमेंट। लेकिन तभी यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी नजर आई, मेरे को शक हुआ इस गाड़ी पे। मैंने मिर्मे से पूछा यार गाड़ी इस तरह तो स्पॉन होती नहीं है, यहाँ पर कोई और भी है क्या। लेकिन किसी ने साउंड नहीं दिया यहाँ पर। हम आए, हमने आराम से गाड़ी भी उठाई और यहाँ से निकल गए, लेकिन हमको कोई फुटस्टेप नहीं आया। तो हमने यहाँ पर यह सोच लिया कि वो जो बंदा हमको पहले मिला था वो बॉट था। लेकिन जब हम यहाँ से जा रहे थे और काफी दूर निकल गए, तभी उसने गोली चलाई। अब मैप पे देखो हमारे ऊपर फायर हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो बंदा वहीं था तो उसने हमसे फाइट क्यों नहीं ली, जिसके अंदर वहां पर फाइट लेने की हिम्मत नहीं है वो इतनी दूर में हमको क्या ही स्प्रे डाउन करता। वेल जो भी हो अब बारी उसको फिनिश करने की थी, उसके दोस्त के पास उसको पहुंचाने की थी। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी लेके आए, यहाँ साइड में रोकने की कोशिश करी, लेकिन तभी मेरे को साउंड आ गया, तो मैं गाड़ी थोड़ा आगे ले गया। मुझे लग रहा था ये हमारी बग्गी लेके भागेगा, तो यहाँ पर हमने पागलों की तरह रश करा। अब वो बग्गी पे नहीं बैठा था, मतलब बाउंड्री के पीछे। भाई इसका ध्यान किसी और ही दुनिया में है। वेल जो भी हो इसको मैंने आराम से ठोक दिया। उसके बाद बस यहाँ से निकलने ही वाला था कि एक बग्गी आई। यार मेरे को लगा नहीं था ये रोकेगा। वेल जो भी हो उसको ठोका, लूट के जा ही रहा था कि यहाँ पर एक और डासिया आई। भाई
भाई मुझे नहीं पता ये हमारे ऊपर गाड़ियों से हमला क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो तुम्हारे भाई को मजा बहुत आ रहा था। 12 किल हो चुके थे। उसके बाद हम लोग पोचिंग की आए और भाई अपार्टमेंट में कोई था नहीं, लेकिन पोचिंग की में ही बंदम को टहलता मिल गया। अब यार देखो ये तो यहाँ पर था, लेकिन चर्च के साइड भी फायर हुआ, तो मतलब वहां पर भी 2 टीम्स थी, मतलब हम लोग की लॉटरी लगने वाली थी इधर। अब बस तुम जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बंदा क्या ही मिर्मे के पीछे आ जाएगा। यार मैं एक बार सोचता था ये मिर्मे है, लेकिन भाई उसके पीछे बंदा था। वेल जो भी हो इसको मैंने मार दिया, पैन से भी मार सकता था, लेकिन उस टाइम ध्यान में नहीं रहा। उसके बाद मैं फौरन भाग के चर्च पे आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी भी वो 2 बंदे यहाँ पर होंगे, क्योंकि उन्होंने एक टीम को तो सफा चट कर दिया था, लेकिन जिन्होंने सफा चट करा है वो तो यहाँ पर अभी जिंदा होंगे ना, तो हम यहाँ उनको मारने के लिए आए। और भाई बॉट फायर हमारा सुन के उन्होंने अपनी गाड़ी भी रोक दी। अब यार इन दोनों को मारने के बाद बस मैंने ऐसे ही कैजुअली स्क्वाडोस चेक करा था। भाई किस्मत देखो, सबसे पहले तो बस मैंने ऐसे ही स्क्वाडोस चेक करा था, वहां पर बंदा निकला, फिर मुझे लगा नहीं था मैं हिट कर पाऊंगा, लेकिन पहला बुलेट उसे हेडशॉट लगा, और उसके बाद भी वो बंदा अंदर जाने के बजाय बाहर कूद गया। भाई हेल ऑफ अ लकी के लिए थी। वेल उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि एक ड्रॉप आगे गिर रखा था, हमको उम्मीद थी कि ड्रॉप पे बंदे मिल जाएंगे, क्योंकि जो हॉटस्पॉट थे वहां पर कोई हमको मिल नहीं रहा था। अब अच्छा हुआ हम ड्रॉप चेक करने आए, क्योंकि ड्रॉप पे भले ही कोई नहीं था, लेकिन उससे पहले हमको एक LMG यानी कि MG3 चलती हुई सुनाई दी। अब मैंने उसकी तरफ गाड़ी मोड़ी और बंदा सामने, भाई मेरा लक देखो यहां पर। सबसे पहले तो वो बंदा हमको पीछे देख रहा था, और मैं आगे कूद के उसको नॉक करा, और उसका दूसरा वाला बंदा जिसके पास LMG थी भाई वो रिलोडिंग पे फंस गया, और मैंने उसको आराम से मार दिया, और उसके पास से मेरे को AWP मिल गई। वेल अब जो भी हो सामने की तरफ से गंदा क्रॉस फायर हो रहा था, मतलब अपार्टमेंट से पहाड़ी फायरिंग हो रही थी। अब अपार्टमेंट बंदे थे कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन पहाड़ी पे जरूर थे ये कंफर्म हो गया, क्योंकि हमारे कान के पास से गोलियां निकली थी, वो भी MK की। तो यहां पर मैं छत पर चढ़ गया उनको मारने के लिए। ओ भाई ये कैसे मिस हो गया, मेरे से इजी शॉट था, और ये तो हगा है मैंने। अब यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं नीचे कूद गया, मैंने कहा ऐसे नहीं तो सामने से मारूंगा मैं। इजी शॉट हिट नहीं कर पाया, जो टफ शॉट थी वो हिट कर दिया, बहुत सही फार ऑफ। अब यहाँ पर मैं कवर में आया, मतलब कोई कवर तो नहीं था, बट मेरे को ये रिच कवर दे रही थी, तो यहाँ पर मैंने आराम से हील लगा ली। अब मुझे पता था कि वो जो है एक दूसरे को जो है रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने फाइट भी ली थी पता नहीं किससे, शायद निर्मे पे फायर कर रहे थे, लेकिन जो भी हो जब हम उनके ऊपर पुश कर रहे थे तो हमारे ऊपर AWM चलने लगी, कहाँ से, स्कूल से। बस तुम देखते जाओ हालात खराब होने वाले हैं। भाई गलती से प्रोन दबाता इधर, जानबूझ के नहीं दबाया था मैंने। वेल ये बहुत लेट कर दिया था मेरे टीममेट ने, तो उसको नॉक कर दिया, लेकिन मेरे कान के पास से AWM निकली, तो यहाँ पर मेरे में नीचे आ गया, मैंने आगे स्मोक कर दिया। वो कह रहा था स्मोक की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई स्नाइपर है, कोई 6 चूज से गोली मार देगा दिक्कत हो जाएगी, और भाई हुआ भी, हमारे कान के पास से 2-3 गोलियां निकली भाई। अब देखो हमारे कान के पास से गोलियां निकल रही थी, मेरे मेरे को रिवाइव मिल गया था, मैंने बूस्टर ले लिया था, अब बारी थी उन बंदों को ढूंढ के मारने की। अब उनके पास भी AWM थी, तो ये मेरे लिए हेल ऑफ अ चैलेंज होने वाला था, लेकिन भाई ऐसे चैलेंजेस मैं ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर इन भाई साहब को आराम से बहुत ही क्लीन शॉट मारी। अब उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट लेवल पागलपना। हमेशा बोलता हूँ डोंट ट्राई दिस एट होम, आप बिल्कुल ऐसा मत करो, कभी भी ओपन में पुश मत करो। हम थोड़े सा पागल है, सनकी है, हम कर देते हैं पुश, वो अलग बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत कूल ये काम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको खेल के लालच रहती है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल गेम खेल रहे हो तो बेटर है कि आप कवर टू कवर जाओ, क्योंकि खेलने का वही सही तरीका होता है। ये गाड़ी में फ्यूल नहीं था पता है, तो हम खुले में आराम से जा रहे थे, हमको पता था एक के पास AWM और दूसरे के पास M4 है, दोनों ही गन हमारे लिए जानलेवा है। ओए क्या टाइम पे ये पीछे गया यार। ये बॉडी शॉट मारा मैंने और ये हेडशॉट, खत्म, इजी चिकन डिनर।